मलावीमधील 600 हेक्टर जमिनीवर हा हापूस आंब्याची लागवड करण्यात आली आहे. 8 वर्षापूर्वी रत्नागिरीमधून 40,000 हापूस आंब्याच्या काड्या मलावीमध्ये नेल्या होत्या. मलावीमधील हवामान कोकणातील हवामानासारखेच उष्ण दमट असल्यानं तिथे लागवड केलेल्या आंब्याला फळधारणा चांगलीच झाली आहे. त्यामुळे पुढील 1 वर्ष आफ्रिकन हापूस एपीएमसी मध्ये दाखल होणार आहे. रोज 600 ते 700 हापूस आंब्याची आवक होणार आहे. सध्या हा हापूस आंबा होलसेल मध्ये 1400 ते 2000 पर्यंत विकला जात आहे. ये जो अभी नवंबर में जो हापूस आम आए हुए ये अफ्रीका में एक मलावी नाम की छोटी सी कंट्री है वहां से ये आम यहाँ पर इंडिया में आज इम्पोर्ट हुआ है. और ये जो मैंगो है इसकी जो ये लोगों ने जो वहां पर जो उसका प्लांटेशन किया है ये 8 साल पहले ये लोगों ने यहाँ से अपने रत्नागिरी एरिया है दापुली एरिया है यहाँ से आम का छोटा सा पौधा लेकर फिर वहां पर वो लोग ने ग्राफ्टिंग करके इस आम की पैदावार वहां पर की हुई है. वहां पर ये लोगों ने 250 एकड़ में आम की खेती की हुई है और अभी 8 साल के बाद इसका फल ये लोग ये जो इसका मार्केटिंग जो है वो चालू हुआ है. लास्ट ईयर इंडिया में ये आम आए थे पर छोटे पैमाने पे आए थे पर लास्ट ईयर 14 टन माल खाली आया हुआ था पर इस साल ये आम कम से कम 150 टन आम आने की उम्मीद है. और यहाँ पर ये जो आम है ये अपना जो महाराष्ट्र का आम है उसी तरह से ये आम दिखता है उसी टेस्ट में है और उसका स्वाद भी जो है उसका सुगंध भी जो है वो सेम टू सेम अपने इंडियन अल्फांसो के जैसा ही है. पर यहाँ पर जो इसकी जो मार्केटिंग है वो मलावी मैंगोस के नाम से होने वाली है. और आज मंडी में 800 बॉक्सेस थे. एक बॉक्स का वजन 3 किलो है और साइज के हिसाब से अगर अपन उसको देखेंगे तो बड़ा आम जो है वो 9 पीसेस में है और छोटा आम जो है वो 16 पीसेस में है. और आज इसका जो दाम है वो 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से आज आम यहाँ पर बिका हुआ है. और ये आम इंडियन पब्लिक को 15 दिसंबर तक उपलब्ध होने वाला है और रोज एवरेज मार्केट में 600 से 700 बॉक्स यहाँ पर बिकने वाले हैं और इसी तरह से ऑल ओवर इंडिया में इसका मार्केटिंग होने वाला है. तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो रत्नागिरी का एटमॉस्फेयर है और जो मलावी कंट्रीज का एटमॉस्फेयर है वो लगभग सेम ही है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है और इसका जो पैदावार जो हिसाब से ये आम आया हुआ है तो सेम टू सेम आम यहाँ पर जो वहाँ पर भी और सेम टू सेम आम वहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शन है वो सेम टू सेम हुआ है. तो इसके लिए वहाँ का भी एटमॉस्फेयर वहाँ पर भी लाल मिट्टी की जमीन है यहाँ पर भी लाल मिट्टी की जमीन है वहाँ पर भी पत्थर वाली जमीन है यहाँ पर भी जो पत्थर यानी जो मैंगो के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो एटमॉस्फेयर मलावी कंट्री में होने की वजह से ही ये सेम टू सेम पैदावार वहाँ पर हुई है. नवी मुंबई आवाज ब्यूरो रिपोर्ट.